सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम राहुल घटी एंड यू आर वाचिंग मिस्टर के 401। तो आज की वीडियो में बात करेंगे वैगन आर ZXi प्लस के बारे में और थोड़ी सी बात कि कई लोगों को मेरी आवाज़ से थोड़ी दिक्कत होती है। तो यार असुविधा के लिए खेद है, पर क्या करूँ यार, मेरी आवाज़ ही नेचुरली ऐसे ही है। तो यार उसको इग्नोर कीजिएगा और काम की बात पर ही ध्यान दीजिएगा। तो फटाफट से सारी बातों को साइड में रखते हैं और वैगन आर के बारे में बात स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट लुक से ऐसी कुछ दिखती है कार। आज हेडलाइट के बारे में बात करते हैं। हेडलाइट आपको हेलोजन में देखने को मिलेगी, रिफ्लेक्टर बेस और नीचे इंडिकेटर भी आपको हेलोजन ही मिलेगा, जिसे चेकआउट कर लीजिए। और ग्रिल की बात की जाए तो ऐसी कुछ आपको ग्रिल देखने मिलेगी, क्रोम की थोड़ी लाइनिंग है, बीच में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है। इधर आपको क्रोम लगवाना हो तो क्रोम भी आप लगवा सकते हो, नीचे आपको ब्लैक पार्ट मिल जाता है, जिसे चेकआउट कर लीजिए। और दोनों साइड आपको फॉग लाइट मिल जाती है अपने ZXi प्लस में, जिसे चेकआउट कर लीजिए। सामने से ऐसा कुछ लुक है कार का। और इसमें आपको दो वाइपर और दो वॉशर मिल जाते हैं, जिसे चेकआउट कीजिए। और ऐसी कुछ दिखती है इसके विंडस्क्रीन। ऊपर आपको एंटीना मिल जाता है, पावर एंटीना। और साइड की बात की जाए तो रियर व्यू मिरर आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट के साथ है। और इंडिकेटर भी आपको इनबिल्ट मिलेगा इसमें, जिसे चेकआउट कर लीजिए। और अलॉय की बात की जाए तो अपने ZXi प्लस में आपको ऐसे कुछ अलॉय देखने को मिलेंगे। और आगे आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी, पीछे आपको रियर में ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगी। तो आज ये अलॉय की प्रोफाइल की बात की जाए तो किधर की इसकी प्रोफाइल, हाँ तो आपको इसमें 14 इंच का अलॉय देखने को मिलेगा, जिसे आप चेकआउट कर लीजिए। ऐसा कुछ दिखता है आपका अलॉय व्हील। और इसमें आपको बॉडी कलर डोर हैंडल देखने को मिलेंगे। और इसके पिलर्स की बात की जाए तो ए पिलर बी पिलर आपको ब्लैक आउट मिलेगा, हाँ पर सी पिलर आपको ड्यूअल टोन में मिलेगा। फ्यूल टैंक की बात की जाए तो 32 लीटर्स का आपको फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। और ऐसे कुछ दिखता है इसका रियर, इधर आपको क्रोम मिल जाता है, फिथ वैगनर लिखा हुआ, सुजुकी का लोगो, रियर वाइपर, डिफोगर जैसे चेकआउट के लिए, हाई माउंटेड स्टॉप लाइट। ऊपर की तरफ आपको वॉशर भी मिल जाएगा, स्पॉइलर इसमें है नहीं, जैसे चेकआउट कर लीजिए आप। नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे, दो पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, जैसे चेकआउट कर लीजिए आप। और नीचे आपको थोड़ा ब्लैक पार्ट भी देखने को मिलेगा। और बात की जाए इसकी टेल लाइट की तो ऐसी कुछ आपको वही अपनी पुरानी टेल लाइट देखने को मिलती है विथ हेलोजन। ओके आ जाइए, आपको इसको बूट प्लेस भी चेक करवा देते हैं। तो आपको 341 लीटर्स का बूट प्लेस मिल जाएगा विथ आपको पार्सल ट्रे भी मिल जाएगी। और इसको हटाते और नीचे देखते आपको क्या मिलता है, तो नीचे आपको स्पेयर व्हील अपने स्टील रिम में देखने को मिलेगा और टूल आगे की तरफ है, वो भी मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। तो ऐसे कुछ दिखते अपने ड्राइवर साइड से, इधर आप इसे रिक्लाइन कर दे सकते हो और स्लाइड कर सकते हो सीट। आप हाइट एडजस्टमेंट का आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता। फ्यूल नीड इधर मिल जाती है आपको, और इधर अपने बोनेट का खोलने के लिए, और इधर अपने इंजन ऑटो ऑफ करने के लिए, और अपना हेडलाइट लेवलिंग एडजस्ट करने के लिए। इसको सीधा कर देते फटाफट से और आ जाइए पहले। और ऐसा कुछ दिखता है इसका डैशबोर्ड, डैशबोर्ड आपको ड्यूअल टोन में देखने को मिलेगा, जिसे चेकआउट कर लीजिए। और इधर आपको तीन पेडल्स देखने को मिल जाएंगे, एक आपको डेड पेडल देखने को मिल जाएगा इधर की तरफ, जिसे चेकआउट कर लीजिए आप। और डैशबोर्ड की बात की ऐसा कुछ आपको फ्लैट टाइप का कुछ डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। स्टेयरिंग व्हील की बात की ऐसा कुछ आपको स्टेयरिंग व्हील मिलेगा। और अपना डैशबोर्ड जिसे आपको मैंने आगे बताया ड्यूअल टोन में रहने वाला है। और इधर आपको छोटा सा एक इनफ ग्लव बॉक्स देखने को मिलेगा, इसको बंद कर देते हैं अभी के लिए। और डोर देख सकते हो आप, ऐसे कुछ आपको डोर मिल जाते हैं। ओके और हाँ, आप रियर व्यू मिरर साइड मिरर आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट के साथ मिलेंगे, ऑटो फोल्ड के साथ ही, और चार अपने पावर विंडो के कंट्रोल, जिसे चेकआउट कर लीजिए आप सब कुछ। इधर थोड़ी जगह मिल जाएगी, नीचे वाटर होल्डर मिल जाएगा, साइड में आप अपनी मैगजीन वैक्सीन कुछ भी रख सकते हो। और चार आपको एसी वेंट देखने को मिलेगा, एसी वेंट के साइड में ही आपको गोल्ड कुछ सिल्वर का टचिंग दिया गया ऐसा कुछ लग रहा है। और इधर आपको एक टच स्क्रीन मिल जाएगा, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साइड, 1000 लाइट का स्विच, अपने मैनुअल एसी के सारे कंट्रोल, जिस चेकल डिफोगर का स्विच, अपने एसी का स्विच, और ये सारे अपने अलग फंक्शन, और अपने 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। नीचे आपको पावर सॉकेट मिल जाएगा, USB ऑक्स मिल जाएगा, थोड़ी उसके नीचे थोड़ी आपको जगह मिल जाएगी, मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाएगा, आर्मरेस्ट जैसा कुछ इसमें तो अभी है नहीं। नीचे आपको थोड़ी सी जगह मिल जाएगी जहाँ अपना वॉलेट कुछ भी कैरी कर सकते हो। ओके और स्टेयरिंग व्हील की बात की जाए ऐसे कुछ आपको स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलेगा। इधर आपको अपने स्टेयरिंग माउंटेन कंट्रोल मिल जाएगा, क्रूज कंट्रोल इसमें है नहीं, फ़ोन उठाने के लिए, फ़ोन काटने के लिए, और अपना वॉइस कमांड के लिए। दो एयरबैग आपको इस कार में देखने को मिलेगा। इस तरह आपको वाइपर के सारे कंट्रोल मिल जाएंगे,
और इस तरफ की बात की जाए आपको इस तरफ अपने हेडलाइट के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। और MID की बात की जाए तो MID इसकी ऐसी कुछ दिखती है, जिसे चेकआउट कर लीजिए आप। RPM मीटर मिल जाएगा आपको, फ्यूल इकोनॉमी, और ऊपर से आप सब कुछ सेट कर सकते हो, चेकआउट कर लीजिए सब कुछ। अब इधर आपको वार्निंग सारी लाइटें मिल जाएगी, ओके, जैसे आप चेकआउट कर लीजिए अपने स्पीडोमीटर और सब कुछ अपने। और इधर आपको रियर व्यू मिरर मिल जाएगा डे नाइट एडजस्टमेंट के साथ, मैनुअली आपको एडजस्ट करना। ऊपर आपको हेलोजन केबिन लाइट मिल जाएगी, इधर आपको वैनिटी मिरर मिलेगा, लाइट वाइट कुछ भी नहीं मिलेगी। इधर की साइड बात की जाए इधर आपको टिकट होल्डर देखने को मिलेगा, वैनिटी मिरर अपनी ड्राइवर साइड तो है नहीं। और ग्रैब हैंडल मिल जाएगा, और हेडरेस्ट की बात की जाए हेडरेस्ट अपना इनबिल्ड ही, आप इधर एडजस्ट नहीं कर सकते, न आगे कर सकते हो न पीछे कर सकते हो। और सीट ऐसी कुछ दिखती है, और को ड्राइवर का साइड का डोर ऐसा कुछ दिखता है अपना। अब मैं अपने हाइट के अकॉर्डिंग इस सीट को एडजस्ट कर लेता हूँ, और फिर आपको रियर में जाकर दिखाता हूँ कि अब मेरे हाइट है 6'2", तो मेरे जैसे बंदा पीछे कंफर्टेबली बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता, तो आ जाइए फटाफट से। और थोड़ी स्टेयरिंग व्हील की बात किया जैसे कुछ आपको सिल्वर फिनिश स्टेयरिंग व्हील में आपको देखने को मिलेगी, जो काफ़ी बढ़िया लगती है। और हाँ, टिल्ट और टेलीस्कोपिक की बात की जाए तो आपको वैगनर में टिल्ट देखने को मिलेगा, पर टेलीस्कोपिक नहीं देखने को मिलेगा। तो आ जाइए फटाफट से रियर से बात करते हैं। तो फटाफट से आ जाइए रियर से बात करते हैं, गाड़ी कैसी है रियर से। तो फटाफट से इस पर बैठ जाते हैं, और बैठने के साथ ही यार लेग रूम तो इसमें काफ़ी है, जैसे कि मुझे तो कोई इसमें कोई दिक्कत तो लग नहीं रही। हाँ, पर थाई सपोर्ट में मेरे को कुछ दिक्कत लगी है, हेडरेस्ट आपको एडजस्टमेंट के साथ नहीं मिलते, आपको इनबिल्ट ही मिलेगी। तो आप अपनी बोतल कुछ रख सकते हो, मैगजीन भी रख सकते हो। और हाँ, वैगनर में आपको 4 स्पीकर देखने को मिलते हैं। और हाँ, जो मेन चीज़ थी अपनी जो डोर हैंडल है वो आपको क्रोम टाइप कुछ देखने को मिलेगा, सॉरी सिल्वर फिनिक्स देखने को मिलेगी। तो आप पकड़ने के लिए पावर विंडो के कंट्रोल पीछे, और पीछे की तरफ आपको कोई आर्मरेस्ट जैसा कुछ देखने को मिलता नहीं है। और हेडरेस्ट तो जैसे कि आप देख सकते हैं तो खराब, पर आपको इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। पीछे आपको पार्सल ट्रे मिल जाती है, जैसे चेकआउट कर लीजिए आप सब कुछ, ओके। 1, 2 और 3 आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाएगी, ड्राइवर साइड टू ग्रैब हैंडल की जरूरत भी नहीं है। मैं पॉकेट होल्डर की बात की जाए, इधर आपको को ड्राइवर सीट पर आपको पॉकेट होल्डर भी मिल जाएंगे। और हम की बात की जाए तो हम तो काफ़ी बढ़िया एकदम फ्लैट टाइप का ही कुछ है, तो वो काफ़ी सही है, क्योंकि उसमें हम ज़्यादा हो तो बैठने में दिक्कत आती है, तो वो सही है। रियर से बस ऐसा ही कुछ था गाड़ी के बारे में। अब बात जाइए इसके इंजन की तरफ बात करते हैं, उससे पहले आपको डैशबोर्ड दिखा दूँ, तो ऐसा कुछ आपको रियर से आपको डैशबोर्ड नज़र आता है, जैसे चेकआउट कर लीजिए आप और फटाफट से इंजन की तरफ आ जाते। और इंजन की बात की जाए तो 1.2 लीटर का आपको इंजन ड्यूल जेट देखने को मिलेगा। और पावर फिगर की बात की जाए तो पावर 88.50 BHP 6000 RPM 113 न्यूटन मीटर टॉर्क 4400 RPM ऊपर, और मैनुअल ट्रांसमिशन है इस वाले वेरिएंट का। और माइलेज की बात की जाए तो 23 KMPL के आपको इसको माइलेज देखने को मिलेगी। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात की जाए 32 लीटर्स की आपको फ्यूल टैंक की बात की जाए, आपको कोई इंजन कवर देखने को तो नहीं मिल रहा अभी तो मेरे को, और इधर इंसुलेशन तो इधर भी कुछ नहीं दिख रहा मेरे को। तो इसके डायमेंशन की बात की जाए तो लेंथ की बात की जाए तो 3655 mm है, विड्थ की बात की जाए 1620 mm है, हाइट की बात की जाए तो 1675 mm, बूट प्लेस 341 लीटर्स, और व्हील बेस 2435 mm। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलेगी, रियर में ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा। और इसका ड्यूल टोन यार काफ़ी गजब लगता है, वो अगर होता तो मैं उसी पे शूट करता, और ख़ास करके रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन काफ़ी बढ़िया लगता है। तो आपको उस पर वीडियो चाहिए तो यार मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और अगर आपको इसको प्राइसिंग जाननी हो तो नीचे में डिस्क्रिप्शन में किरण मोटर्स हिम्मतनगर का एड्रेस डाल दूंगा, और फ़ोन नंबर भी डालूंगा, वहाँ से आप इसकी प्राइसिंग और एक शोरूम या फिर ऑन रोड वो सब कुछ जान सकते हो। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का बटन आ रहा होगा, तो उसको फटाफट से दबा दो और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दो। मैं मिलता हूँ अगले नए किसी वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।